हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैंने 6 इलस्ट्रेशन तक बनाए थे, अब हम 7 इलस्ट्रेशन पे आ गए। अकाउंट चैप्टर 4 जर्नल पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ प्रणव। हमें जर्नल बुक बनानी है, किसकी? प्रणव की जर्नल बुक बनानी है। यहाँ पे 2015 जनवरी 1 मार्च 1, ठीक है, अलग अलग महीने के साथ डेट दे के रखिए। ओके, अ लोन ऑफ 15,000 एट अ 14% इज बोरोड फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस। देखो क्या बोला है ये वाले में। पहला जनवरी 1 वाला ट्रांजेक्शन, अ लोन ऑफ 15,000, कितना? 15,000 एट अ 14% इंटरेस्ट। कितने रुपए की लोन ली मैंने? 15,000 रुपए की लोन ली, कितने परसेंट पे? 14% पे। इज बोरोड फ्रॉम पवन, मैंने पवन से 15,000 रुपए की लोन ली। पवन से मैंने कितने रुपए की लोन ली? 15,000 रुपए की लोन ली। तो मेरे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो क्या होगा? रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है मेरे पास 2015 जनवरी 1, ठीक है। कैश अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए? 15,000। 15,000 रुपए मैंने लिए। यहाँ पे 14% पे लोन मैंने लिए, कितने परसेंट पे लिए मैंने? 14% पे लोन लिए। मैंने अभी तक उसका इंटरेस्ट नहीं भरा है, ठीक है। तो मुझे 15,000 रुपए मिले, मैंने अभी तक उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं भरा है, ठीक है। ये तो बताया गया कि मैंने 14% इंटरेस्ट पे लिए, तो मुझे यहाँ पे 15,000 रुपए की एंट्री माननी पड़ेगी। जब मुझे इंटरेस्ट पे करना है तब ऐसा बोला जाएगा कि मैंने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगा के हमें उसको अमाउंट लिखनी है। देखो किससे लिया था मैंने? पवन से। किससे लिया था? पवन। तो पवन इज गिवर। पवन क्या है? गिवर है। गिवर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। गिवर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा टू लोन एट 14% फ्रॉम पवन अकाउंट, ठीक है। ऐसे मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैंने लोन ली थी पवन से 14% इंटरेस्ट पे, ठीक है, समझ आया? अब मैं आपके यहाँ पे पवन अकाउंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? लोन। क्या लिखूंगा? लोन। टू लोन एट 14%, कितने परसेंट पे ली थी वो भी मुझे बताना पड़ेगा अकाउंट में। फ्रॉम पवन, किससे ली थी? पवन से ली थी अकाउंट, कितना? 15,000 से। वो क्रेडिट हो जाएगा, उसने मेरे को 15,000 रुपए दिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्च 1, क्या? मार्च 1, अ लोन ऑफ 18,000, कितना? अ लोन ऑफ रुपीज 18,000 एट 18% इज गिवन टू पुष्कर। यहां पे हमने पैसे दिए, क्या? ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हमने पैसे लिए थे, यहां पे हमने पैसे दिए, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। क्या हो रहा है? मेरे पास से पैसा जा रहा है। और देखो यहां पे फ्रेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहां पे बताया गया कि इतने परसेंट पे लोन दी है, अभी तक मैंने इंटरेस्ट नहीं भरा है, ठीक है। इंटरेस्ट, सॉरी, यहां पे तो लोन दिए, तो मैंने अभी तक इंटरेस्ट लिया नहीं है, यहां अभी तक मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो मुझे यहां पे 18,000 की एंट्री माननी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैंने कैश दिया है, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, क्या हो रहा है? मेरे पास से कैश जा रहा है ना, टू कैश अकाउंट, कितना जा रहा है? 18,000 रुपए, कितना जा रहा है? 18,000 रुपए क्रेडिट एंट्री होगी। देखो डेबिट क्या होगा? अ लोन ऑफ 18,000 एट 18% पुष्कर। पुष्कर ने कितना लोन लिया? 18,000 का लोन लिया, कितने परसेंट पे लिया? 18% पे लिया। तो मेरे को वहां पे लिखना पड़ेगा लोन एट 18% टू पुष्कर अकाउंट, कितना? डेबिट। कितना? 18,000 का उसने लोन लिया था। तो जो पुष्कर है वो पैसों का रिसीवर है, क्या है? पैसों का वो रिसीवर है, उसने पैसे रिसीव किए, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो उसने पैसे रिसीव किया, तो उसका एंट्री क्या होगा? डेबिट। ये क्या है? देखो मार्च 1, क्या है? मार्च 1, और हमने पैसा दिया है तो हमारे पास से कैश जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो तीसरी एंट्री बनाते हैं। अब डेट क्या है? जून 13।
अ पेड इंटरेस्ट ऑफ अ सिक्स मंथ ऑन अ लोन बोरोड फ्रॉम पवन। देखो अब जो पवन से आपने लोन ली थी, कितने की लोन ली थी, 15,000 की ली थी और 14% इंटरेस्ट पे ली थी, आपको ये याद रखना है ना, आपको ये सब ध्यान में रखना है। कितने महीने का मैंने लोन पे किया, 6 महीने का। कितने महीने का पे किया, 6 महीने का। देखो जनवरी को मैंने उससे लिया था, ओके, फेब, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून की आखिरी तारीख हो गया, 6 महीना हो गया। ये और ये लास्ट में ये जून 30, मतलब ये 6 महीने यहाँ पे मेरे पूरे हो गए। कितने, 6 महीने पूरे हो गए। तो 6 महीने का मैंने इंटरेस्ट एक साथ भरा, क्या इन 6 महीने का इंटरेस्ट मैंने एक साथ भरा। तो देखो अभी इसका कैलकुलेशन क्या है, 15,000 की लोन ली थी, कितने की ली थी, 15,000 की लोन ली थी, कितने टका इंटरेस्ट पे, 14% इंटरेस्ट पे, ठीक है, 14% इंटरेस्ट पे ली थी। और कितने महीने का मैंने भरा है, टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, मैंने कितने महीने का भरा है, 6 महीने का, तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, ओके। अब हम कैलकुलेटर निकालते हैं, देखो आपके पास भी होगा कैलकुलेटर, करो इसको। देखो ऊपर 15 क्या है, देखो 15,000 मल्टीप्लाई, ऊपर वाले कर रहा हूँ अभी मैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर क्या है मेरा, इतना आया, डिवाइडेड बाय कितना है, 100 × 2 कितना होता है, 1200 होता है ना, कितना मैंने कितना इंटरेस्ट उसको पे किया, 1050, कितना पे किया, 1050 रुपये मैंने उसको पे किया। समझ आ रहा है आपको, कितना पे किया मैंने, 1050 रुपये का इंटरेस्ट मैंने पे किया, कौन सी, जून 30। देखो मैंने पे किया है तो मेरे पास से कैश जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, लोन इंटरेस्ट अकाउंट में, कहाँ जा रहा है, लोन इंटरेस्ट अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है, कितना, 1050 × 2 हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, हमने पैसा भरा है तो कैश जाएगा ऑब्वियसली, रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है। चलो अगस्त 31, क्या अगस्त 31, फ्रॉम पुष्कर, पुष्कर से इंटरेस्ट ऑन आवर लोन रिसीव फॉर 6 मंथ। देखो यहाँ पे भी 6 महीने का लोन रिसीव हुआ है, क्या 6 महीने का लोन यहाँ पे रिसीव हुआ है, किससे, पुष्कर को, जो हमने लोन दिया था ना 18,000 का, कितने परसेंट पे दिया था, 18% पे दिया था, 18% पे हमने उसको लोन दिया था। तो यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन होगा, 18,000 × 18%, कितने महीने का इंटरेस्ट दिया उसने, 6 महीने का इंटरेस्ट दिया है, तो 6/12, समझ आ रहा है आपको, कैलकुलेटर निकालते हैं, चलो 18,000 × 18 × 6 डिवाइडेड बाय कितना, 12, सो कितना, 1620 रुपये, कितना, 1620 रुपये मुझे मिला, मेरे पास कैश आया, 1620 रुपये कैश मेरे पास आया। अगस्त 31, ठीक है, मेरे पास कैश आ रहा है, उसने मेरे को पे किया है, मेरे पास कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। अरे यार क्या है इसको, डेबिट, कितना, 1620 रुपये टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, लोन इंटरेस्ट अकाउंट, किसी ने मेरे को लोन दिया इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो गिवर है सामने वाला, यहाँ पे वो रिसीव, हमने वो सामने वाला रिसीवर है, जो जिसने भी लोन को लिया है, लोन इंटरेस्ट को, तो वो रिसीवर है, तो उसका अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे वो गिवर है, हमको लोन का इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो गिवर है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट, ओके। चलो यहाँ पे आप टोटल आप कमेंट कर देना, ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।